नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स विद न्यूज नॉक इंडिया में। आपके साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। एक नजर आज की 10 अहम खबरों पर। रूस ने फिनलैंड बाल्टिक देशों की सीमाओं से हटाई 80% सेना। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 35 पैसे हुआ मजबूत। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,272 नए मामले सामने आए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर बस स्टैंड पर हुए धमाके की जांच में जुटी बम निरोधक टीम। सोनिया गांधी से मिलने पहुंची केसी वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह से चिदंबरम में करेंगे मुलाकात। दुर्ग में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, मौके पर पहुंचे एसपी, जांच जारी। गांजा तस्करों पर एनसीबी की कार्रवाई, गांजे की बड़ी खेप बरामद, इंदौर से छत्तीसगढ़ पहुंची टीम। आरआईएल एचडीएफसी के शेयर में हुई बड़ी गिरावट, वोलेटाइल ट्रेड के छठे दिन भी गिरा बाजार। 4 ओवर में सिर्फ 8 रन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बिना विकेट लिए भी छा गए रविचंद्रन अश्विन। माधवन की विक्रम वेधा की कॉपी नहीं है ऋतिक सैफ की फिल्म, डायरेक्टर ने कही बड़ी बात। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।